मैं नॉर्मली बैठा हुआ था कि मुझे एक कॉल आया। फिर क्या, निकल पड़े उस मंजिल के ओर। वो बोलते हैं ना कि एक डिस्कवर्ड जगह में भी कुछ अनडिस्कवर्ड चीजें होती हैं। वैसे ही हम डिस्कवर करेंगे जयपुर को। A few moments later. Life is about exploring the moments that matter. Moments that no one can take away from you. That will stay with you forever. Maybe it's time to leave. Discover what you always wanted to achieve. Find the places you always dreamt of, but only vaguely imagined experiencing. क्या बात है सर। आफ्टर चेंजिंग द ट्रेन फ्रॉम संबलपुर हम निकल पड़े। हमारे साथ एक छाछ का स्कैम हो जाता है। तो छाछ का प्रिंटिंग कॉस्ट था 22 रुपीज और ये छाछ वाले ने हमें सेल किया 30 रुपीज। कैसे लगाई जी? आज हम बहुत घाटा खा रहे हैं। तो आप 30 लगाओगे क्या? तुम पढ़ो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आप पढ़े ले लो। हाँ ठीक है, तो 20 लगाना चाहिए ना आपको। दादा 22 रुपए प्रिंट है। हाँ ठीक है, 22 लगाना चाहिए ना। 30 कैसे लगाए? 30 कौन लगा रहा है? अरे आप 25 लगा रहे भैया अभी। तब आप तो 30 लिए ना, 30 60 और पानी का 20। कैसे, झूठ मत बोलिए भैया। अब मैंने कुछ भारी शब्द बोल दिए। आप समझ रहे हो ये सब? आज हमसे 5 रुपए खाओगे एक्स्ट्रा, कल आपका कहाँ जाए। वही हम घाटा कितने खाए? 40 छाछ में। आप खाओ घाटा, हुआ हमको 80 रुपए घाटा खाया मैंने। 20-20 अरे आप जाने नहीं दिए मैंने। आप घाटा खाओ, उससे हम लोग को क्या है? हमारा ये है कि हमको 30 रुपए दिए ना, 30 रुपए में दिए ना आप। शर्म करो, भगवान से डरो। फिर सोचे हटाओ, मूड क्यों खराब करना है? ताजे ताजे चने के मजे ले और क्या। कर दो, कर शर्माते क्या, कर कर रे। क्यों हिला डाला ना, स्टेट बदल बदल के पानी की बोतलें भी बदल जा रही हैं। सो रात को हम लोग को जब बहुत ज्यादा भूख लगी तो हम लोग ने ट्रेन के साइड से ही एक मील खरीद, तो उस वेज थाली का प्राइस 100 रुपीज था जिसमें सैलेड भी था। अब क्या, चलिए शुरू करते हैं। भूख लग रही है बड़ी जोरों से। खोलो दरवाजे पर देखो, किनारे खूटे से बंधी है, हवा में लेके छोड़ा सारे। तो जब आंखें खुली तो पता चला कि हम कोटा पहुंच चुके हैं और 2-3 घंटे में हमारी डेस्टिनेशन जयपुर आने ही वाली थी। ये मिर्ची पकोड़े काफी ज्यादा टेस्टी थे, लेकिन बाद में इन्होंने सच में बहुत परेशान किया। जयपुर पहुंचने से पहले ही आपको रास्ते में फोर्ट्स, कैमल हॉर्सेस और भी कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सो गाइस, हम लोग कोई सांगाने नाम का स्टेशन में उतर गए हैं राजस्थान में। जयपुर से अराउंड 20 किलोमीटर पीछे आते ही यहाँ पे पहला चीज मुझे जो फील हुआ वो है गर्मी। मतलब इतना ज्यादा गर्मी है। बलांगीर में गर्मी थोड़ा अलग टाइप का होता है। यहाँ का गर्मी ज्यादा अच्छा है। हाँ गर्मी अच्छा है, बट खुजली हो रहा है थोड़ा ये गर्मी से। प्लेस बहुत नया लग रहा है। तो गाड़ी छोड़ के हमें जा रही है लॉज में। हम लोग ने लॉज बुक किया है लियान हेरिटेज। ये कैसा है आप बताइए? बहुत सही लग रहा है, बड़ा है, अच्छा रेटिंग भी था, इसीलिए गेट भी बहुत सही राजस्थानी स्टाइल में एकदम बनाया गया है। साला बैग रख के घुस गया। तो चले गए हमारा रूम देखते हैं अब। बहुत ही शानदार रूम, हम लोग ने एसी वाला रूम लिया है। बहुत ही सुंदर है ये रूम, और टीवी भी है इसमें, और बेसिक साबुन, डस्टबिन, वार्डरोब। बाथरूम दिखाता हूँ आपको, काफ़ी वेंटिलेटिंग, काफ़ी बड़ा बाथरूम है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, बहुत बड़ा बाथरूम है। बेसिन दिया हुआ है, और इस होटल का रेस्टोरेंट ऊपर में है, तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं लंच करने की। काफ़ी सही दिख रहा है रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट बंद था, 6 बजे काउंटर खुलेगा बोले, और अभी हम लोग निकल गए हैं टाउन की ओर। सोच रहे हैं कि बाइक हम लोग रेंट पे लेके उसके बाद उस बाइक से हम लोग पूरा जयपुर घूमेंगे। शायद 2-3 दिन के लिए रेंट में ले लेंगे या फिर 1 दिन के लिए रेंट में ले लेंगे, और उसके बाद हम लोग पूरा जयपुर घूमेंगे।
तो जयपुर का जर्नी शुरू हो रहा है अभी धीरे धीरे। एमसी इंडिया इंटरनेशनल स्कूल, एमसी का मतलब क्या आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में। तो देखते देखते शाम ढल गई और हम लोग पहुंच गए। वर्ल्ड अनलिमिटेड इटालियन मील, देखते हैं कौन कितना पिज्जा खाता है। सो आप प्राइस देख सकते हैं यहाँ पे, काफी कम दामों में आपको अनलिमिटेड पिज्जा खाने का मौका मिलेगा। सो अगर आप 6 बजे से पहले आते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा आपको काफी सारा, और मजा भी आएगा। सो खाना खाने के बाद हम लोग निकल पड़े थोड़ा टहलने के लिए। फिर ठीक है, सुबह मिलते हैं और क्या। गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या ये सपना है या सच, ये तो कल सुबह उठकर पता चलेगा। और ये भी पता चलेगा कि जयपुर में सबसे पहले सूरज की किरण कहाँ गिरती है और जयपुर का ओरिजिन कहाँ से शुरू हुआ। चलिए अब हम सोते हैं, ठिशकियाँ। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।